अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। क्या हुआ जब पुनर्जन्म के 9 साल बाद पहुंचा अपने पहले घर? इस घटना का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। एक बड़े व्यापारी के घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम विमर्श रखा गया। विमर्श बचपन से ही बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वो छोटी छोटी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर जाया करता था। उसे जानवरों से बहुत ज्यादा डर लगता था। खास तौर पर अगर वो सांप का चित्र भी देख लेता था तो उसे पूरी रात डर के मारे नींद ही नहीं आती थी। जैसे जैसे विमर्श की उम्र बढ़ती जा रही थी उसका डर भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसके माता पिता ने डॉक्टर से संपर्क किया, परंतु डॉक्टर का कहना था ये सामान्य बात है और बढ़ती उम्र के साथ ये सब कुछ सही हो जाएगा। एक समय की बात है जब खेलते हुए विमर्श को अपने घर के बाहर बगीचे में ही सांप दिख गया और उस सांप को देखते ही उसके पसीने छूट गए। उसका दिमाग घूम गया और वो उसी जगह पर बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब उसके माता पिता उसे होश में लेकर आए तो उसने अपने माता पिता को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मेरा नाम तो अंकित है और आप लोग कौन है? जल्दी से मेरे माता पिता को बुला दीजिए, मुझे उनके पास जाना है। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि हम ही तेरे माँ बाप है, परंतु वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था मैं तो उत्तर प्रदेश के मेनपुरी गांव में रहता हूँ और मुझे जल्द से जल्द मेरे माता पिता के पास जाना है। उसके बाद विमर्श के माता पिता ने एक मनोचिकित्सक को बुलाया। उसने विमर्श से सारी सच्चाई बताने को कहा। तब विमर्श ने कहा कि मेरा नाम अंकित पाटीदार है और मैं उत्तर प्रदेश के मेनपुरी गांव में रहता हूँ। हम झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। मैं रोजाना खेत में काम करने जाता था, सुबह से शाम वहाँ मजदूरी करता और रोजाना मुझे जो भी पैसे मिलते थे अपने घर का पालन पोषण मैं उसी से किया करता था। और मेरा एक ही सपना था कि मैं अपने माता पिता को खुश रखूं, क्योंकि मेरे अलावा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं था। एक समय की बात है जब रात्रि में मैं खेत में काम करके घर लौट रहा था तभी एक जहरीले सांप ने मेरे पैर पर डस लिया और उसी समय मेरी वहीं पर मृत्यु हो गई। परंतु अब मैं पुनः लौट चुका हूँ। पता नहीं इतने सालों से मेरे बिना मेरे माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा। मुझे उनसे जाकर मिलना ही होगा। इसके बाद मनोचिकित्सक ने विमर्श के माता पिता को ये सलाह दी कि इसे आप उत्तर प्रदेश के मेनपुरी गांव ही ले जाइए, जहां जाकर इसका ये भ्रम दूर हो सकता है। और वो लोग उसी समय मेनपुरी गांव के लिए निकल गए। जब वो वहां पहुंचे तो विमर्श को वहां के सभी रास्ते अपने आप ही पता थे। उसके बाद विमर्श अपने माता पिता को उस झुग्गी झोपड़ी तक ले गया जिसमें वो अपने माता पिता होने का दावा कर रहा था। और जब उसके पिता ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर एक बूढ़ा आदमी और औरत बहुत ही बुरी दशा में थे, मानो उन पर बहुत बड़ा कहर टूटा हो। उनका पूरा घर अस्त व्यस्त था, ऐसा लग रहा था उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। विमर्श के पिता ने उनसे सवाल किया कि क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। उनका कहना था कि हमारा इकलौता बेटा आज से ठीक 9 साल पहले सांप डसने की वजह से मर गया और उसके जाने के बाद से ना तो हमारा कोई ध्यान रखने वाला था ना ही कोई पैसा देने वाला। हम जैसे तैसे मजबूरी में अपना जीवन काट रहे हैं। उसी समय विमर्श चिल्लाया और कहा बाबूजी अब मैं आ गया हूँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और माँ तुम अपने आंसू पोंछ लो क्योंकि महादेव ने अब तुम्हारी सुन ली। जिसके बाद विमर्श ने उनसे कहा कि मैं ही तुम्हारा वो बेटा हूँ जो 9 साल पहले सांप के डसने की वजह से मर गया था। मेरा पुनर्जन्म हो चुका है और अब मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए फिर से आ गया हूँ। उसने 2 से 3 कुछ ऐसे राज की बात बताई जिनसे उन्हें भी यकीन हो गया कि ये उनका बेटा अंकित ही है। और विमर्श को दोनों बूढ़े दंपतियों ने गले लगा लिया, क्योंकि विमर्श के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे तो उन्होंने अपने ही किसी फार्म हाउस पर उन दोनों बूढ़े आदमी औरत को शिफ्ट करवा दिया, जहां रोजाना विमर्श के रूप में अंकित उनसे मिलने जाया करता था। तो इस तरह से दोस्तों पुनर्जन्म के 9 साल बाद एक बेटा अपने पहले माँ बाप से मिला, ये नजारा वास्तव में भावुक करने वाला था। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए पुनर्जन्म को लेकर आपके क्या विचार है, क्या पुनर्जन्म होता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियो समय पर मिलते रहे। अभी के लिए आप सभी भक्तों को हर हर महादेव।